नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ उपाध्याय। दोस्तों, हम जो है आज ऐसे पांच टॉपिकों के बारे में बात करेंगे जिनको अगर हमने फॉलो किया तो हमारे पास तक बीमारी आ ही नहीं सकती। अगर हम इन पांच पॉइंटों को अगर फॉलो करेंगे तो किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज आने का हमारे पास सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कौन से है वो पांच पॉइंट। तो पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शरीर के हमारे तीन सिस्टम ठीक हैं, तीन सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आते हैं, हमारा एब्डोमन यानी हमारा पेट जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, दूसरा सिस्टम जो है वो है हमारे लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और तीसरा जो आता है वो हमारी किडनीज यानी यूरिनरी सिस्टम। अगर ये तीन सिस्टम हमारे प्रॉपर ठीक है तो किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, क्योंकि ज्यादातर बीमारियां जो है वो पेट से संबंधित होती हैं। अगर हमारा पेट काफी लंबे समय से खराब रहता है तो बहुत सारी बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं या किन्हीं कारणों से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से अगर हमारे फेफड़ों में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो रही है, तब भी हमारे चांसेस जो है बीमार होने के बनते हैं। इसके अलावा अगर हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं या अन्य किसी कारण से हमारी जो किडनी है वो हमारे ब्लड को पूरी तरह फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, तो हमारी शरीर में बीमारियां आने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। इन तीनों सिस्टम्स को ठीक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा साधन है, वो है प्रॉपर रूटीन में जो है योगा एक्सरसाइज। इसके अलावा आप ध्यान कर सकते हैं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारे खाने पीने से रिलेटेड है। अगर हम जो है प्रॉपर रूटीन में खाना खाएंगे, प्रॉपर रूटीन का मतलब एक हर चीज का एक टाइम होता है दोस्तों, तो अगर हम उस टाइम पर अपना प्रॉपर जो है खाना खाएंगे और उस टाइम के अकॉर्डिंग ही हम अपनी मील्स को लेंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। प्रॉपर रूटीन का मतलब कि हमारे खाने पीने का रूटीन जो है वो एकदम सेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होने का मतलब हमने ऐसा नहीं करना है कि सुबह हल्का खाना खाना है और रात को बहुत ज्यादा हैवी लेना है। हमने हमेशा जो है वो खाने को एक निश्चित मात्रा में लेना है। निश्चित मात्रा में लेने का मतलब कि सुबह हमने जितना हैवी हो सकता है उतना हैवी लेना है, दोपहर को हमने सुबह की अपेक्षा थोड़ा सा हल्का खाना लेना है, और रात को अगर कोशिश कर सकते हैं तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। इसके अलावा जो है रात के टाइम में जो लोग दूध पीते हैं वो रात को दूध पीने की जगह जो है दिन में दूध पीने की आदतें डालिए। तो अगर आप इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपके शरीर में बीमारियां आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तीसरे पॉइंट की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो तीसरा पॉइंट है पानी हमें कब, कितना और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें एज के अकॉर्डिंग हमेशा पानी पीना चाहिए। जिसकी जितनी एज होती है उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही पानी पीना चाहिए। जिन लोगों की एज जो है वो 20 साल से लेकर के और 60 साल तक की है उनको कम से कम दिन में जो है 3 से 3.5 लीटर पानी, मिनिमम 3.5 लीटर पानी उनके शरीर में होना बहुत ही जरूरी है। 3.5 लीटर पानी का मतलब कम से कम 12 से 14 ग्लास, आपको 12 से 14 ग्लास पानी पीना ही पीना। उसके लिए आप अपना रूटीन किस तरीके से सेट करेंगे ये आपको तय करना है। आप अपने फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं, इसके अलावा जो है आप एक बॉटल कैरी कर सकते हैं जिसको आपने टारगेट करना है कि ये मेरे को दिन में 3 से 4 बॉटल पीना है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपके शरीर में बीमारियां आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। चौथा पॉइंट दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम में से काफी सारे लोग हेल्थ को लेके इतना अवेयर हो चुके हैं कि हम बेवजह बेफिजूल के रूटीन चेकअप में लगे रहते हैं। हम बार बार जो है लेबोरेटरीज के चक्कर काटते रहते हैं रूटीन चेकअप के लिए, हम हर साल रूटीन चेकअप कराते हैं। दोस्तों, चेकअप कराना बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपको चेकअप नहीं कराना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से शरीर में जब तक किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, जब तक हमें सारे के सारे टेस्टों से बचना चाहिए। रीजन क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो एकदम अनपढ़ होता है। अनपढ़ होने का मतलब कि आप इसको जैसा सिखाएंगे, जैसा इसके सामने आप चीजों को रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसी तरीके से रिएक्ट करेगा। मान के चलिए आप रूटीन चेकअप के लिए गए और वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी आई या किसी चीज की कोई बढ़ोतरी आई, तो हमारा ब्रेन जो है वो बार बार उन्हीं चीजों के बारे में सोचता रहेगा और उसको घटाता या बढ़ाता रहेगा। तो
कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक जाकर के वो चीजें बाद में प्रॉब्लम करेंगी और एक बीमारी का रूप जो है वो धारण कर लेंगी। तो दोस्तों जितना हो सकता है उतना रूटीन चेकअप से बचिए, रूटीन चेकअप के बारे में बिल्कुल भी सोचना बंद कर दीजिए जब तक शरीर में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम दोस्तों ना। पांचवें और आखिरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये है कि आप जब भी सुबह बाथ लेते हैं, आप सुबह जब भी नहाते हैं, तो नहाने के टाइम पे आप जिस तरीके का भी साबुन यूज करते हैं या कोई बॉडी वॉश यूज करते हैं तो उसको यूज करना आज ही बंद कर दें। रीजन क्या है कि अगर आप किसी तरीके का कोई साबुन यूज करते हैं या कोई बॉडी वॉश यूज करते हैं, ये साइंटिफिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर देता है। ये हमारे जो पसीने के होल्स होते हैं, जो स्वेटिंग होल्स होते हैं, उन स्वेटिंग होल्स को ब्लॉक कर देता है जिससे हमारे शरीर में पसीना नहीं आता। और अगर हमें पसीना नहीं आएगा तो बॉडी से स्मेल भी नहीं आएगी। स्मेल आना बॉडी से अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। अलग होने का मतलब कि अगर आप जो है पानी कम मात्रा में पी रहे हैं तो आपके शरीर से पसीने में बदबू आएगी। तो दोस्तों हमने क्या करना है कि इन स्वेट ग्लैंड्स को बंद होने से रोकना है। अगर आप साबुन को डेली रूटीन में यूज करेंगे तो ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को बंद कर देगा, और बंद करने के बाद क्या होगा कि आपको पसीना आना बंद हो जाएगा और आपको लगेगा कि साबुन बहुत अच्छा है या फिर बॉडी वॉश बहुत अच्छा है, ये हमारे बॉडी से जो है स्मेल नहीं आने देता। तो दोस्तों साबुन यूज करने की जगह आप पानी यूज करिए, आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, आपके पसीने में स्मेल नहीं आएगी, आपको साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब स्वेटिंग होगी तो उसके थ्रू जो है प्रॉपर मात्रा में टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलेंगे और आपको किसी भी तरीके के साबुन या शैम्पू या फिर किसी भी तरीके के बॉडी वॉश की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो आज ही साबुन, शैम्पू या फिर और किसी भी तरीके के बॉडी वॉश, इन सबको आज ही यूज करना बंद कर दीजिए। इसके अलावा जो है सादा पानी से आप नहाने की कोशिश करिए, अब 2 मिनट की जगह 3 मिनट लीजिए और अच्छे से बॉडी को रगड़ के नहाइए जिससे कि शरीर के जो स्वेट ग्लैंड है वो प्रॉपर तरीके से खुल जाए और आपको पसीना जो है वो प्रॉपर तरीके से आए और आपके टॉक्सिन जो है बाहर हो जाए। थैंक यू।